हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव, के बी राय अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 20 और आज का टॉपिक है खीर का लालच। तो आज हम लोग अध्याय 20 और टॉपिक है आज का खीर का लालच। आज हम लोग खीर का लालच जो है इस कहानी को हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, ये इस कहानी में एक चिड़िया और एक चिड़ा रहता था। दोनों ही बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते थे। चिड़ा चिड़िया से कहता था, तुम्हारा जो पंख है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरे पंख जितना सुंदर नहीं है। तो चिड़िया कहती थी कि मेरा पंख तुमसे सुंदर है और मेरा जो पंख है वो तुमसे सुंदर है। मेरे पंख के बाद तुम्हारा पंख ही दुनिया का सबसे सुंदर पंख है। तो चिड़िया कहता था, नहीं, मेरा पंख सुंदर है, और चिड़िया कहती थी मेरा पंख सुंदर है। दोनों ही इस बात पे हमेशा बहस करते थे, लेकिन दोनों ही एक साथ रहते थे और बहुत ही खुश रहते थे। एक दिन चिड़िया खीर कहता है, तो चिड़िया कहती है, हाँ, खीर की कहीं से सुगंध आ रही है। तो जो चिड़िया था उसे क्या होता है, उसे खीर की कहीं से सुगंध आती है, और उसके बाद से वो खीर चिल्लाने लगता है। तो चिड़िया भी कहती है, हमें भी खीर की कहीं से सुगंध आ रही है। उसके बाद से जब दोनों को सुगंध खीर की आने लगती है, तो दोनों ही सोचते हैं कि क्यों ना खीर को खाने चला जाए। तो चिड़िया चिड़िया से कहता है, चलो हम लोग खीर को खोजने चलते हैं कि ये खीर की जो सुगंध है वो कहाँ से आ रही है। उसके बाद से दोनों ही एक साथ उड़कर चल देते हैं खीर की तलाश में। उसके बाद से वो दोनों उड़ते उड़ते जाते हैं, फिर उस घर में पहुंचते हैं जहां से खीर की सुगंध आ रही थी। वो उस घर में जाते हैं, तो जब उस घर में वो जाते हैं तो वो देखते हैं, वो उस घर में जाते हैं, और जब वहाँ का जो किचन होता है जहाँ पे खाना बनता है, उस जब किचन या फिर उसे रसोई घर कह लीजिए, वहाँ पे जाते हैं लोग। चिड़िया और चिड़िया दोनों जाते हैं, लेकिन इन दोनों को वहाँ पे भी खीर दिखाई नहीं देता है, लेकिन खीर की जो सुगंध है वो आती है। उसके बाद से वो वहाँ का फिर उस घर में कोना कोना सब ढूंढ लेते हैं, कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद से सब ऐसे ढूंढते ढूंढते पहुँचते हैं, थोड़ा और घर में जाते हैं, तो उन्हें खीर की जो सुगंध होती है वो और भी तेज आने लगती है। तो जब वो खीर की सुगंध और भी तेज आने लगती है, तो वो सब सोचने लगते हैं कि अब खीर इसी घर में ही है। उसके बाद से वो खोजते खोजते उस खीर के पास पहुँच ही जाते हैं, लेकिन वहाँ होता क्या है, उस खीर के पास तो जाते हैं और खीर खाते भी हैं, लेकिन वो खीर कहाँ रखा होता है, एक पिंजड़े में रखा रहता है। वो खीर कहाँ रहता है, एक पिंजड़े में रहता है। वो उस पिंजड़े में पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि हम लोग उस पिंजड़े में जा रहे हैं जहाँ हम लोग कैद हो जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं पता रहता है, वो तो बस खीर की सुगंध को सूंघते सूंघते वो उस खीर तक पहुंच जाते हैं जहाँ की खीर एक पिंजड़े में रखी होती है। फिर वो उस पिंजड़े में पहुंच जाते हैं और उस खीर को खाते हैं। उन्हें बहुत खाने में आनंद भी आता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग पिंजड़े में आ गए हैं। उसके बाद से वो खीर खा लेते हैं, और उसके बाद चिड़िया और चिड़िया दोनों ही कहाँ जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। ना ही फिर कभी चिड़िया दिखता है और ना ही फिर कभी चिड़िया देखती है। तो दोनों अगर खीर की लालच नहीं किए होते, तो आज वो सब अपनी ज़िंदगी जैसे पहले जीते थे वैसे ही फिर अभी भी जीते, लेकिन वो खीर की लालच करके वो उस घर तक पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें कैद होना पड़ता है। तो बच्चों, यही थी इस जो खीर की लालच जो कहानी है, इसमें इतना ही था। एक बार और आप लोगों को सब बता देते हैं, इस कहानी में एक चिड़िया रहती है और एक चिड़ा रहता है। दोनों ही आपस में बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते हैं, बहुत ही खुश भी रहते हैं। चिड़िया रानी बहुत सियानी और तुम्हारा जो पंख है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरे पंख जितना सुंदर नहीं है। तो चिड़िया कहती है कि
मेरा पंख सुंदर है और मेरे पंख के सुंदर होने के बाद तुम्हारा पंख इस दुनिया में सबसे सुंदर है। चिड़िया कहती है कि जो मेरा पंख है वो बहुत ही सुंदर और मेरे बाद तुम्हारा सुंदर है पंख, और इस दुनिया में तुम्हारे जितना सुंदर पंख नहीं है, लेकिन उससे भी सुंदर मेरा है और मेरे बाद तुम्हारा पंख जो है वो सुंदर है। फिर दोनों इस बात पे हमेशा बहस करते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। एक दिन चिड़िया को खीर महकती है, तो वो खीर खीर चिल्लाता है, तो चिड़िया कहती है हाँ हमें भी खीर की स्मेल महक आ रही है, हमें भी खीर की क्या आ रही है, महक आ रही है, सुगंध आ रही है। तो चिड़िया कहता है हाँ दोनों को ही खीर की सुगंध आने लगती है, तो दोनों कहते हैं अब चलो हम लोग खीर को खाने चला जाए। तो वो उस खीर की तलाश में निकल जाते हैं जहाँ से सुगंध आ रही है, वो उड़ते उड़ते जाते हैं, उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ खीर खीर की जहाँ से खीर की सुगंध आ रही थी। फिर वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद से वो उस घर के रसोई घर में जाते हैं जहाँ खाना बनता है, लेकिन वहाँ उन्हें खीर नहीं मिलता है, खीर उन्हें नहीं मिलता है। फिर वो उसी घर में और भी जगह खोजने लगते हैं खीर को, और खोजने लगते हैं लेकिन फिर भी उन्हें खीर नहीं मिलता है। फिर उन्हें क्या होता है कि उसी घर में से खीर की स्मेल और भी ज्यादा आने लगती है, खीर जो है वो और भी ज्यादा महकने लगता है। उसके बाद से उन्हें जब और भी ज्यादा खीर की सुगंध आती है, तो वो फिर से उस खीर के पास वो सुगंध सुगंध उस खीर को सूंघते सूंघते उस खीर के पास पहुंच ही जाते हैं जहां पर वो खीर रखा हुआ था। तो वो जब उस खीर के पास पहुंच जाते हैं, तो वो जब खीर को देखते हैं तो बहुत खुश भी होते हैं, और उस खीर के पास जाते हैं दोनों और खाते हैं, खाते हैं बहुत ही आनंद पूर्वक खाते हैं, उन्हें बहुत ही आनंद आता है खाने में, और खीर इतना अच्छा महक रहा था तो खीर अच्छा बना भी रहा होगा। तो वो दोनों खाते हैं, लेकिन उन्हें वो लोग ये नहीं देख पाते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, जबकि वो खीर कहाँ रहता है, एक पिंजड़े में रखा होता है। तो वो दोनों ये नहीं देख पाते हैं कि ये खीर कहाँ है, एक पिंजड़े में है। उसके बाद से वो क्या होते हैं, खीर खा लेते हैं, फिर उसके बाद से वो दोनों क्या होते हैं, कैद हो जाते हैं। उसके बाद से वो ना ही कभी चिड़िया दिखता है और ना ही कभी चिड़िया दिखती है, किसी को नहीं पता रहता है कि उसके बाद वो दोनों कहाँ जाते हैं, हो सकता है वो वहीं पे कैद हो जाते होंगे। तो बच्चों इस कहानी में बस यही थी, और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। चिड़िया और चिड़िया दोनों खीर की लालच करते हैं तो कैद हो जाते हैं, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।